राज्य में लागू होगी समान नागरिक संहिता। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेष समिति जल्द तैयार कर रही है ड्राफ्ट। महिलाओं को पैतृक संपत्ति का आधार देने पर भी विचार किया जा रहा है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे उत्तराखंड से, जहां समान नागरिक संहिता जो है जल्द ही लागू होगी, साथ ही महिलाओं को पैतृक संपत्ति दिलाए जाने के अधिकार पर भी जो है गहनता से चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर भी जो है खुशखबरी उत्तराखंड की जनता को मिल सकती है। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड में लगातार देखा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर हम काफी दिनों से जो है चर्चा कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होगी। यूसीसी विशेषज्ञ समिति जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसी के साथ एक खास बात भी यहाँ पर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने पर भी यहाँ पर विचार हो रहा है। देखिए, समिति जो गठित की गई थी वो अलग अलग स्तर पर जनता के जन संवाद के माध्यम से सुझाव ले चुकी है। जिला स्तर पर जो मुख्य शहर उत्तराखंड के हैं उन शहरों में समिति पहुंची और समिति ने तमाम आम आदमी के साथ रायशुमारी करी और कुछ सुझाव लिए और तमाम तरीके के सुझाव सामने आ रहे हैं। चूंकि सरकार बार बार इस पर फोकस कर रही है और समिति को जो तय समय दिया गया है उस समिति को उस तय समय सीमा में ड्राफ्ट तैयार करना है, लिहाजा समिति अपने कार्य को गंभीरता से कर रही है। और जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने इस बात को बयान भी किया है कि जो महिलाएं हैं उनको जो उनकी संपत्ति है, खासतौर पर पैतृक संपत्ति, उसमें बराबर का अधिकार दिया जाए, उसकी तैयारी भी समिति कर रही है और एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में तमाम ऐसी सैनिकों की जो है वो परिवार की महिलाएं हैं, जब कोई सैनिक यदि शहीद हो जाता है तो उसके बाद उनकी संपत्ति में कैसे महिलाओं को जो है वो अधिकार मिले। जी जी, चलिए सोनू बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड से दिया जो है राज्य में लागू होगी समान नागरिक संहिता, जल्द ही जो है कमेटी बना दी गई है, इस पर जो है चर्चा की जाएगी।